हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिलेक्शन रेस पाथ ऑफ सक्सेस। मैं राहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन रेस में। तो दोस्तों, आज एक अपडेट आई है जिसका काफ़ी बड़ा डाउट चल रहा था, क्योंकि ये अब जो आपकी अपडेट रहने वाली है वो आपकी वीडियो से रिलेटेड रहने वाली है। हुआ क्या था कि जैसे वीडियो प्रीमियम सभी लोगों ने दिया था, उसमें क्या था, सिलेबस का एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा था, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्या टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, तो वो काफ़ी सारा डाउट था, कौन से कितने मार्क्स का आएगा, क्या नहीं आएगा। तो उसी डाउट को क्लियर करने के लिए इन्होंने क्या किया, बोर्ड वालों ने जो वीडियो मेंस का जो एग्ज़ाम होगा आपका, जिसकी एग्ज़ाम डेट जुलाई की समथिंग बताई जा रही है, उसका इन्होंने क्या है, पूरा सिलेबस डाल दिया है, कितने नंबर का ये, मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया और उस पर टॉपिक भी मेंशन कर दिए। तो उस सारे मैटर पे पूरा आपके डिस्कस करेंगे कि क्या रहना है। तो अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी के पास ये अपडेट जा सके और सभी को पता लग सके कि भाई हमें किस टॉपिक को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे कुछ चीज़ अभी टफ लग रही है तो उनको छोड़ दो, बाकी जहाँ ज़्यादा मार्क्स हमें आ सकते हैं उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। तो उसी से रिगार्ड ये वीडियो रहने वाला है। तो सीधा आपको लेके चलते हैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ग्राम विकास अधिकारी मुख्य भर्ती परीक्षा, यानी कि जो आपका मेंस होगा उसके लिए, यहाँ आप देख सकते हो सीधा टोटल प्रश्नों की संख्या है वो आपकी 160 रहने वाली है, कुल अंक जो होंगे वो आपके 200 रहेंगे और टाइम आपका रहने वाला है 3 घंटे, यानी कि 160 क्वेश्चन 180 मिनट टाइम दिया जाएगा। तो ये ओवरऑल है आपका। अब इसमें इन्होंने क्या है, ये एक आप देख सकते हो यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कि सभी प्रश्न बहुकल्पीय तथा सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे और जो आपका क्वेश्चन गलत होगा उसको एक तिहाई काटा जाएगा, यानी कि जिस हिसाब से लग रहा है जैसे 160-200 के हिसाब से, तो मान सकते हो एक जो आपका जो क्वेश्चन है वो आपके लगभग 1.5 नंबर का आप ले सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग जैसे 1.5 नंबर है तो 1.5 नंबर का एक तिहाई ये नंबर काटेंगे अगर नेगेटिव मार्किंग करेंगे। अब सीधे लेके चलते हैं क्या क्या, जैसे इन्होंने ऊपर आप देख सकते हो सामान्य हिंदी, सामान्य मतलब भाषा ज्ञान में इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी रख रखी है। फिर उन्होंने गणित, इन्होंने इस बार क्या किया है, जो रीजनिंग था ना जहाँ लोगों का स्कोरिंग मार्क हुआ था, जहाँ आप लोगों लड़कों का मतलब काफ़ी ज़्यादा नंबर आ गए थे, जिस मतलब समझ रहे हो ना उनकी पास होने के लेवल पे पहुँच गए थे, वो उन्होंने उठा दिया है। सामान्य ज्ञान रख दिया है जहाँ आप जनरल साइंस और करंट अफेयर्स ले सकते हो, भूगोल एवं फिर आपका जो भी जैसे आपकी ज्योग्राफी होगी, आर्ट एंड कल्चर होगी और आपकी जो आर्थिक बोलते हैं, इकोनॉमिक्स टाइप का बोलते हैं, कृषि संसाधन उस टाइप का जो हम बोलते हैं आर्थिक टाइप का, वो आपका दे रखा है। और इसमें इतिहास संस्कृति इन्होंने क्या है, थोड़ा पॉलिटी के भी 2-3 टॉपिक डाल दिए। तो ये ओवरऑल व्यू था। अब सीधा लेके चलते हैं कितना क्या क्या है। तो आप सबसे पहले चलेंगे हम भाषा ज्ञान, जो आपका रहने वाला है वो 50 नंबर का आएगा, उसमें आपके क्या है 30 नंबर का जो रहने वाला है वो हमारी हिंदी रहने वाली है। हिंदी में इन्होंने साफ क्लियर कुछ जो आपके टॉपिक है वो क्लियर मेंशन कर दिए, संधि संधि विच्छेद समास समास उपग्रह विलोम सद, यानी कि आप इजीली इसको पढ़ सकते हो कि अगर मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा तो आपको पता है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो वो चीज़ मैं नहीं करूँगा, आप इजीली इसको देख सकोगे वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक के। फिर हम चलते 20 नंबर का इन्होंने क्या क्या जो इंग्लिश है वो की है, इसमें इन्होंने क्या क्या जो क्वेश्चन बेस्ड ग्रामर हो गई सेकेंडरी लेवल तक की, वहाँ पर इन्होंने क्या किया है, जैसे जो आपके होते हैं ना ग्रामर में जैसे एक्टिव पैसिव वैसे जो भी आर्टिकल वार्टिकल वो सारे ग्रामर है वो इसमें आ जाएगी। और इसमें कुछ क्वेश्चन आपके क्या आएगा पैराग्राफ टाइप के, यानी कि पूरा पैराग्राफ देते हैं फिर उसके बेस ये आंसर हमें देना है, उस टाइप के भी क्वेश्चन ये इन्होंने इस बार पहला थोड़ा नया किया है। आगे चलते हैं, जो मेन इशू रहा था वो रहा था गणित का, वहाँ इन्होंने 40 नंबर का किया है, उसमें आप देख सकते हो दशमलव हो गया, प्रतिशत हो गया, रेशियो प्रोपोर्शनल एवरेज, प्रॉफिट लॉस, परमिति, समय, टाइम एंड दूरी, डिस्टेंस, विस्टेंस, यहाँ तक सारी चीज़ आपकी जो सेम आती हैं इसमें। देखिए आपको अलग जो ध्यान देने वाली चीज़ वो क्या, एक तो बहुपद के गुणनखंड ये आपको देखनी है, इक्वेशन जो होती हैं वो देखनी है, बहुपद के मासा लासा आप कर लो। फिर आएगा 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, ये जो कुछ टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो आप अच्छे से पढ़ने हैं, यही आपको मेन पढ़ने हैं क्योंकि यही काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। एक तो हो गया आपके बहुपद के गुणनखंड, फिर आपका हो गया 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्य विचलन चलो आप कर लोगे, चतुर्भुज व्रत ये आप लगभग पढ़ी हुई है, चाप और उनके द्वारा आंतरिक कोण, ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री रचनाएं। तो ये कुछ टॉपिक नहीं है, ये आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, टाइम भी काफ़ी सारा है जुलाई है, मतलब आप कर सकते हो। अगला सामान्य ज्ञान, यहाँ इन्होंने सिर्फ 20 नंबर का दिया है, इसमें ये 10 नंबर के सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स देने वाले हैं, 10 नंबर से ज़्यादा का करंट अफेयर्स नहीं आएगा। वहीं सामान्य विज्ञान की बात करें वो हमारे 10 नंबर का रहने वाला है, जिसमें जो नॉर्मल डेली यूज पे सामान जो आपका जनरल साइंस है वो तो है ही है, उसके अलावा जैसे कुछ विद्यार्थी जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, सैटेलाइट, उस टाइप के मुद्दों का भी आपको रहना चाहिए, यानी कि
अभी कौन से इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम वो यूज हो रहा है, सैटेलाइट कौन से अभी कौन सी प्रक्षेपण किया है, मतलब समझ रहे हो ना, मिसाइल टाइप का या प्रक्षेपण किस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, उस टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगला जो टॉपिक है वो आपका ज्योग्राफी का रहने वाला है, ज्योग्राफी प्राकृतिक संसाधन, ये 30 नंबर का है। इसमें इन्होंने क्या किया है, 30 नंबर में इंडिया जी के, वर्ल्ड जी के और राजस्थान जी के, ये तीनों का इन्होंने डाल दिया है। अब आप मान सकते हो जैसे 30 नंबर हो तो इसमें आप इजीली 15 नंबर का कम से कम राजस्थान जीके का रहने वाले, क्योंकि राजस्थान जीके का क्या इन्होंने स्पेशली अलग से मेंशन किया है, मौसम मिट्टी मिट्टी यानी जो भी टोटल ज्योग्राफी होती है राजस्थान की वो की है। वहीं संसार में आपने देखा होगा क्वेश्चन कुछ ही मतलब फेमस आए थे, जैसे उन्होंने क्वेश्चन आपने देखे थे जैसे आपके ज्वालामुखी टाइप के हो गए, वही क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, पहाड़ हो गए, वही चीज़ उन्होंने दिया है, नदियाँ पहाड़ महाद्वीप महत्वपूर्ण स्थान और भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि जो मेन मेन चीज़ थी वही इन्होंने पूछा भी था उसी टाइप के। वही भारत के इन्होंने क्या किया, जो वन्य जीव पर्यावरण हो गए, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी तंत्र किस हिसाब से वर्क करता है वो। अब जैसे राजस्थान जी में खनिज संसाधन वरदान ये पूछ लेते हैं, इंडिया जी के में आजकल ये क्वेश्चन नहीं आते आप जानते हो, तो ये चीज़ आपकी हो चुकी है। अगला जो हम लेके चलते हैं वो रहने वाला है कृषि और आर्थिक संसाधन। आर्थिक संसाधन में आपके जो टॉपिक रहते हैं जैसे कि जो आपके नदी घाटी परियोजनाएं हो गई, उद्योग हो गए, उसके अलावा आपके खनिज हो गए, लघु उद्योग हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, ये सारे इसमें रहने। इसमें एक चीज़ आपको देखनी है, पॉलिटी की सिर्फ इन्होंने एक लाइन लिखी है, संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं का भूमिका, क्योंकि वीडियो का पेपर है तो थोड़ा उसका रिलेटेड रहने वाला है, तो ये सिर्फ इन्होंने पॉलिटी का ऐड किया। बाकी जो आप मान सकता हूँ जो आप ऑलरेडी इतने सारे एग्जाम आपने दिए उसमें वो ये सारे टॉपिक हैं, नहर वहर का ये सारा। अगला जो टॉपिक देखा ये इन्होंने दिया आर्ट एंड कल्चर का, सेम वही 30 नंबर का। यहाँ पे इन्होंने मेन प्रेफरेंस जो आप देख सकते हो ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके के दिए, इंडिया जीके में नॉर्मल दे रखा है जैसे लैंडमार्क, मुख्य स्मारक, मुख्य कार्य, पुनर्जागरण, राष्ट्रीय, इसमें आप देखिए मान सकते हो जैसे मेन जो आपके स्मारक हो गए, जैसे बहुत सारे आपकी पीक है या बहुत सारे प्लेसेस हैं उनका पूछ लेंगे। मेन इनका जो रहने वाला है जैसे इंडिया जीके वो आप इनका रहेगा पुनर्जागरण, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता के लिए संग्राम क्या क्या हुआ था, तो उस टाइप की चीज़ें इंडिया में देख लेना वो ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय आप बहुत सारी आर्ट एंड कल्चर ही पढ़ो के यार समझ रहे हो ना उस टाइप की, बाकी राजस्थान जीके का मेन। तो ये ओवरऑल वीडियो था, मैंने सोचा आप लोगों को बता देता हूँ, आप फिर देख लीजिए जो आपकी जीके रहने वाली है, मतलब टोटल जीके जिसमें राजस्थान जीके का ज़्यादा पोर्शन है, इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके का थोड़ा सा कम है, वहाँ देख सकते हो 30 नंबर और यहाँ 30 नंबर, यानी कि 90 नंबर की तो आपकी जीके ही रहने वाली है, यानी कि आप मान सकते हो आपके मैक्सिमम मार्क्स 200 हैं तो आपके लगभग 50% मार्क्स तो आपके इसी से आ सकते हैं, और आप यकीन मानिए नेगेटिव मार्किंग है भाई, पास होना बहुत 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 जिस हिसाब से प्री का पेपर आया उसके अकॉर्डिंग आया तो पास होना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगा अगर वही पेपर लेवल रहा, क्योंकि आप मान सकते हो लोगों को इस बार लोगों को क्वेश्चन मानते हो ना, मतलब 100 में से आप यकीन मान के चलिए लोगों को भाई 25 से 30 35 क्वेश्चन ही आ रहे थे, मैक्सिमम 40, बाकी सब ने तुक्के ही दिए हैं, तुक्कों में लोगों के सही निकले, तो उसी टाइप का मान सकते हो, मतलब 90 नंबर तो आप सिर्फ जीके से लेके आ सकते हो। वहीं आप बात करते हैं जैसे जो जीएस होती है अपनी जनरल साइंस, उसमें आपके 20 नंबर हैं, मैथ आपकी 40 नंबर है, मैथ भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगा। वहीं आपकी आप ये नहीं कि किसी टॉपिक को छोड़ दो, आपकी जनरल हिंदी भी 30 नंबर की है और अंग्रेजी भी 20 नंबर, यानी 50 नंबर का तो आपका लैंग्वेज है। तो ये ओवरऑल वीडियो था, मैंने आप लोगों को सोचा बता देता हूँ अच्छे से क्लियर हो जाए आपके पूरा टॉपिक, आपको किस हिसाब से पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ऑलरेडी आपके पास काफ़ी टाइम है। फिर आप देख सकते हो तो टोटल क्वेश्चन जो रहने वाले वो 160 रहने वाले हैं और टोटल आपके जो मार्क्स होंगे वो 200 रहने वाले हैं। अब आप मान सकते हो अब इसमें क्या किया इन्होंने यहाँ पे मार्क्स कर रखे हैं, जैसे आपके 40 मार्क्स तो आप ये मत सोच के चलना कि 40 क्वेश्चन इसके आएंगे, ये सिर्फ इन्होंने मार्क्स का कर रखा है टोटल 200 मार्क्स का, तो आप मान सकते हो जैसे 40 मार्क्स का डे एक क्वेश्चन जो आपका है जो डे नंबर उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन ले सकते हो। तो ये आपके टॉपर था। इसमें आप फिर बोल रहा हूँ रीजनिंग आपकी हटा दी गई है, कंप्यूटर आपका हटा दिया गया है, ये दो टॉपिक इन्होंने हटा दिए, कंप्यूटर और रीजनिंग इन्होंने पूरी तरह हटा दी है। इसमें एक तो आपकी आप देख सकते हो 4-5 है आपकी सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके, इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके, वर्ल्ड और इंडिया जीके में मामूली से कुछ ही टॉपिक फिक्स कर रखे हैं, बाकी राजस्थान जीके 90 नंबर में से आप मान के चलिए 50 नंबर तो सिर्फ और सिर्फ आपकी यही देने वाली है 200 में से। फिर आप आ सकते हो जैसे सामान्य जनरल साइंस 20 नंबर, गणित भी आपके 40 नंबर, गणित भी आप मतलब कुछ टॉपिक हैं जो आपको टफ लगेंगे आप पढ़ने पड़ेंगे, मगर फिर भी आप ये कि मतलब 40 में से ईजिली अगर आप पढ़ोगे नॉर्मल चीज़ें तो भाई 20-25 तक तो आप लेके आ सकते हो ईजिली, बाकी कुछ चीज़ें आपके हार्डवी जिस हिसाब से पेपर आया था। और फिर आपकी लैंग्वेज आपको पता है इंग्लिश, आप किसी चीज़ के लिए श्योर नहीं होते हो इंग्लिश में, फिर भी आपकी जो
राजस्थान जो हिंदी है वो फिर भी आप क्यों सकते हो। तो ये ओवरऑल वीडियो था, मैंने आप लोगों को बता देता हूँ, 3 घंटे मिलने वाले हैं, यानी कि 180 मिनट में 160 क्वेश्चन करनी है। तो आई होप आपको ये न्यूज पसंद आई होगी। तो अगर आप चैनल पर लें तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा शेयर करना है, जो सभी लोगों के पास ये नोटिफिकेशन चल जाए, उन्हें पता चल जाए कि भाई हाँ ऑफिशियली आपका जो सिलेबस था वो आ चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, बाय फ्रेंड।